कोई काम प्रारंभ करें तो स्पष्ट बोध होना चाहिए कि हम इस काम को क्यों कर रहे हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। जब आप कहीं जाने के लिए घर से निकलते हैं तो यह स्पष्ट होता है पहले से ही कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, क्यों जाना चाहता हूँ। और वह पता ना हो तो फिर गति नहीं होगी, गति होगी अव्यवस्थित होगी। कहाँ पहुँचेंगे उसका कोई अंत नहीं। ऐसे ही जब हम साधना प्रारंभ करें तो साधना के संबंध में भी स्पष्ट बोध हो कि साधना क्यों, किस लिए मैं समय दे रहा हूँ, किस लिए मैं परिश्रम कर रहा हूँ, ये साफ होना चाहिए। और यदि वह साफ है, जिसका लक्ष्य स्पष्ट है, फिर उसे कैसे करना है ये हम खोज लेते हैं, कर लेते हैं, क्योंकि प्रारंभ भी उसी प्रकार करना होगा। यदि पता हो कि अंत में मुझे शांत होना है, पूर्ण मौन होना है, असंग होना है, अकेला होना है, निर्विचार की स्थिति में आना है, तो उसका प्रारंभ भी शांति से हो, मौन से हो। शांति की साधना अशांत होके कोई प्रारंभ करे, बीच ही गलत हो गए ना। अशांति से सुख की साधना दुख से शुरू करे कोई, किसी को पानी की जरूरत हो आग के पास जाए, पानी तो नहीं मिलेगा। मौन साधना है और वाचालता से प्रारंभ करें, कैसे होगा। मौन का जो अंत है, प्रारंभ भी मौन से हो। अब ये बात सही है कि वहां तक पहुंचना है, तो पहुंचना चलना, और उसे कहते हैं अभ्यास। जब हम साधना में बैठते हैं तो लक्ष्य जब होता है कि मैं शांत हूं, मौन, अकेला हो जाऊं, बस असंग हो जाऊं, यह लक्ष्य है। लेकिन पूर्व अभ्यास इतना है कि वह हमें विचलित कर देता है। बीच में जो पुराना है वो वापस आ जाता है, अवरोध पैदा कर देता है। अवरोध हटाना है, जैसे कोई आदमी कुआं खोदे, कुआं क्यों खोद रहे हैं, पानी के लिए। पानी है नीचे, लेकिन आप जहां खड़े हैं और जहां पानी है
उसके बीच में कुछ है जिसे हटाना है। कोई सोने की खान में जाए और सोना पाना चाहे, हीरा पाना चाहे, रत्न पाना चाहे, तो जहाँ है और जहाँ हीरा है उसके बीच में कुछ ऐसी चीज है जो हीरा नहीं है, रत्न नहीं है, उसे हटाना है। या ये हो सकता है कि उस रत्न को पाने के लिए बहुत सारे कंकड़ पत्थर हटाने होंगे। कुआं खोदते समय पानी तक पहुंचने के लिए एक मोटी परत है, उसे हटाना है। ऐसे ही है ये अंदर कुआं ही तो खोदना है। शीतलता पाने के लिए बीच में जो द्वंद है, जो तूफान है, उसे अलग करना है। और इसी के लिए ध्यानाभ्यास साधना, इसी के लिए ये बोध स्पष्ट हो और प्रारंभ करे, तब सहज होगा, सरल होगा ये काम। इसलिए शांति की साधना शांति से, और मैंने कल ये बात कही थी कि एक पूरे सिस्टम को ठीक करना है, पूरे सिस्टम को ठीक करना है, अंदर और बाहर को दुरुस्त करना है, अपने जीवन को व्यवस्थित करना है। क्योंकि परिणाम कहाँ आएगा? जीवन में ही परिणाम आएगा। अभी परिणाम कहाँ आ रहा है? जीवन में परिणाम आ रहा है। आगे हम जो परिणाम चाहते हैं वो कहाँ आएगा? इसी जीवन में आएगा। तो जो हम आगे चाहते हैं अभी क्यों नहीं है? अभी वो चीज क्यों नहीं? अभी मैं क्यों शांत नहीं हूं? अभी अकेलेपन महसूस क्यों नहीं करता हूं? असंगता का अनुभव क्यों नहीं करता हूं? भीड़ का अनुभव करता हूं? भीतर में भीड़ है, बहुत आवाज है, अंतर में बहुत आवाज है। अब देखो, आंखें बंद करो तो पता चलता है कितनी आवाज है, कितने शब्दों की गूंज है अंदर में। शब्दों का एक प्रवाह है जिसको साहब ने नदी का रूपक दिया है। नदियां नहीं, सांसरी बहे नीर, बुझ बुझ पंडित मन चितलाए, कबहु भरल बहे कबहि सुखाए। तो एक नदी का रूपक दे करके बता रहे हैं कि जिस प्रकार नदी के किनारे खड़े हो जाओ तो नदी की धारा को देखो, एकदम पानी का सैलाब प्रवाह। ऐसे अंदर में विचारों का प्रवाह, और विचार का मतलब शब्द, शब्दों की भीड़ गूंज है। और इसलिए अंतरात्मा की आवाज वो नहीं सुनाई देती है, क्योंकि दुनिया की आवाज है जो हमने भर रखा है, हमने इकट्ठा किया है उसको। ये नहीं है कि किसी ने लाके डाल दिया है, हम स्वयं ने उसे संग्रहित किया है, उसे हटाना है, उसे अलग करना है। तो साधना में जब बैठें तो यही करना है कि मैं मौन हो जाऊं, शांत हो जाऊं, पूर्ण रूप से असंग हो जाऊं, अकेला हो जाऊं, ये लक्ष्य।
लेकिन जब वो बाधा आती है, विचार आते हैं, वो एकदम से हटते नहीं हैं, इसलिए उपाय करने होते हैं। गुरुदेव जिसे कहते थे अवलंब, आधार, खूंटा, एक शब्द उनका ये भी होता था, खूंटा। जैसे एक गाय का बछड़ा हो, बहुत चंचल, कि इसी आश्रम के परिसर में उसे छोड़ दिया जाए तो कितना भागेगा, यहाँ वहाँ वहाँ पकड़ना कठिन होगा। लेकिन उसे एक रस्सी से बांधें और एक खूंटा से उस रस्सी को बांध दें, अब कहाँ जाएगा, जहाँ तक रस्सी जाती है बस। अब वो पूरे परिसर में नहीं दौड़ेगा, अब उस सीमा को कम कर दिए। सांस की साधना यही है। बैठते हैं, पुरानी बातें याद आती हैं, और हम यहाँ बैठे हैं, दूर दूर की बात याद आती है, जहाँ जहाँ गए हैं, जिसे देखे सुने हैं, सब। अब सांस पर मन को लगाए तो वो एक खूंटा हुआ, सांस को ही देखना है। अब वो एक सीमित जगह पर, वो साधना की पूर्णता नहीं है, लेकिन क्या हो गया है, अब निसीम से ससीम, दूर तक जो जाता था उसे हमने एक जगह केंद्रित किया, सांसों पर लाया। सांस की साधना ऐसी है कि इसके लिए कोई कल्पना की जरूरत ही नहीं है, सांस आती है और जाती है, और ये प्रारंभ से ही, जन्म से ही सांस का आना जाना है, और जीवन के अंत तक सांसों का आना जाना लगा रहेगा। तो जब आप चाहेंगे सांस को अपना मित्र बना सकते हैं। मित्र क्या, वो सांस ही है, पर प्राण है, इसीलिए कहते हैं प्राण वायु, वो प्राण है, जीवन प्राण। तो उससे मित्रता करना, अर्थात उससे जुड़ना, तो एक सीमित जगह पर आ गए। और साथ साथ में एक घटना घटती है, जागरूकता। घटना क्या घटती है, जागरूकता को विकसित करना होता है, और कोई लक्ष्य न हो, साधना के लिए मन न हो, समर्पण न हो, तो फिर जागरूकता का विकास भी नहीं होगा। जागरूकता का विकास होता है कि ये काम करना है। मैंने कल ये बात कही भी थी, किसी दबाव में आप करें, विवस्था में करें, और किसी के देखे सुने में करना शुरू कर दिए, और वैसा कुछ भाव नहीं है, चलो करना ही है, कैसे करें ना करें तो भी नहीं बनेगा, लोग क्या कहेंगे। साहब ने कहा ना, शर्मा शर्मी पचिमुआ, काल घसीटनहार, संकोच वश करेंगे, अंदर से जागरूकता नहीं है, भाव नहीं है, तब तो फिर वो होगा ही नहीं। कोई आदमी किसी को बाहर के काम को दबाव में करवा सकता है, और करने वाले की व्यवस्था हो सकती है, मजबूरी हो सकती, कोई कारण हो सकता है, मैं ये काम नहीं करूँगा तो मेरा ये नुकसान कर सकता है, और कहीं ऐसा ना हो कि जो इनसे मिल रहा है वह मुझे न मिले, ये भय बस कोई कर सकता है, दबाव में आके कर सकता है।
इसका मतलब है नहीं चाहते हुए भी वह करेगा, लेकिन साधना का काम, ध्यान चिंतन का काम, यह कभी भी दबाव पूर्वक नहीं हो सकता है। व्यवस्था और मजबूरी में यह नहीं हो सकता है। स्वयं की जागरूकता हो, स्वयं का भाव जगे तो ही सफलता होगी। स्वयं के लिए नहीं, यह तो मेरा काम है। अब कोई देख रहा हो तो आंखें बंद करके बैठ लिए, कोई नहीं देख रहा हो तो मोबाइल खोल के बैठ लिए, चलो उसके पे करने लग जाते हैं, क्योंकि बाहरी आकर्षण है, बाहर के प्रति हम आकर्षित होते हैं, क्योंकि वो तत्काल लाभ दिखता है, तत्काल वह आनंद का कारण बनता है। सुंदर दृश्य दिखा, सुंदर शब्द दिखे सुने, और वो मन में गया तो उस समय लगता है बहुत अच्छा लगता है, आनंद का अनुभव होता है, ऐसा महसूस होता है, भ्रम होता है, भ्रम ही कहिए उसको, सत्य तो है नहीं, वो भ्रम है, क्योंकि आप आनंद का अनुभव पर आश्रित हैं, दूसरे के आधार पर कर रहे हैं जिससे आपको आनंद मिल रहा है, और पर का आधार कब तक लेंगे, नहीं, स्व आश्रय, पर आश्रय स्व आश्रय, पर न हो, पर आधारित न हो, स्वयं का आधारित हो, अर्थात हम बिना कुछ देखे सुने, बिना कुछ पाए, बिना किसी से मिले जुले हम आनंद का अनुभव करते हैं, और आनंद का अनुभव करने के लिए, शांति का अनुभव करने के लिए पर से अलग होना पड़ेगा। और पर से अलग होने का मतलब केवल फिजिकली नहीं, भौतिक दृष्टि से नहीं, हो सकता है आप अपने कमरे में जाके बंद हो जाएं। अभी 10 दिन पहले की बात होगी, 10 से 15 दिन मान लो, सूरत में था, आश्रम में एक भक्त आते जाते रहते ही हैं, आए बैठे, कहा कि साहब यही मैं आ गया था आश्रम में, 2 दिन तक मोबाइल तो मैं नीचे ही छोड़ दिया था, एक कमरे में था और बंद रहा उसी कमरे में, ऊपर आश्रम के, किसी से बातचीत नहीं, मिलना जुलना नहीं, भोजन के मैंने पूछा भोजन कैसे कर लेते, केला रख लिया था बहुत सारा भाई खा लेता था, तो हुआ क्या, अरे बहुत सारे विचार आते थे, बहुत नकारात्मक विचार आते थे, तो मैं ये कह रहा था कि बाहर से आप दुनिया से फिजिकली रूप से भौतिक रूप से कट तो कर देंगे, लेकिन जुड़ाव भीतर का है वही महत्वपूर्ण है। किसी के नहीं होने पर भी अंदर बहुत लोग होते हैं, भीड़ होती है, उस भीड़ से जो डिटैच होना है, अलग होना है, डिस्कनेक्ट करना है अपने आप को, साधना इसी के लिए है। अकेले में जब उस स्थिति में पहुंचेंगे, क्योंकि जब तक वो लोग रहेंगे, आधार पर का रहेगा, तब तक शांति का अनुभव नहीं होगा। इसलिए तो कहते हैं अकेला हो, अकेलापन, एकदम अकेलेपन को महसूस करो, और वही नहीं हो पा रहा है। मैंने कहा ना, भीड़ ही महसूस कर रहे हैं आप, भीड़ का ही अनुभव कर रहे हैं, तो कैसे बनेगा, उसी को अलग करना है, इसीलिए सांस की साधना कही जाती है। तो ये हमको करना है, और ये काम 1-2 दिन का नहीं है कि आज शुरू किए कल पूरा हो गया। आप कहीं जाते हैं, सामान का लिस्ट बनाकर जाते हैं, और कुछ घंटे में
आप सामान खरीद के वापस आ जाते हैं, आज का काम पूरा। कोई विद्यालय जाता है, पढ़ने जाता है, पढ़ाने जाता है, आज का काम पूरा। हॉस्पिटल जाता है, चाहे वो चिकित्सा करने के लिए या चिकित्सा करवाने के लिए, किसी को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, गया और वहाँ जा कर के स्वस्थ हो गया, बस आ गया। अब फिर मुझे नहीं जाना है अस्पताल, अब मुझे नहीं जाना है, हो गया काम, ऐसे ही है। लेकिन यहाँ का काम अलग है। आज बैठे आंखें बंद किए और ये सोचे कि कल तो पूरा हो गया, बस पहुंच गया संगता, एक दो दिन का काम नहीं है। अच्छा, एक दो दिन का काम क्यों नहीं है? इसलिए कि एक लंबे समय से हम उस भीड़ का हिस्सा बने हैं और आज भी उस भीड़ के हिस्से में हैं। उससे अलग करना बहुत समय साध्य है, श्रम श्राध्य है, ये परिश्रम की आवश्यकता है और लगन की आवश्यकता है। तो एक दो दिन का काम नहीं है, लंबे समय तक साधना करते जाएंगे करते जाएंगे, बहुत मंथर गति से उसका परिणाम दिखाई देगा। और अभी तो परिणाम दिखे बगैर काम करना है, कोई परिणाम नहीं दिख रहा है इसके बावजूद काम करना होता है। आप जब कोई मकान बनाना चाहता है, आप में से कोई भी, तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है नींव से। कोई ईंट रखे, कोई मसाला डाले, तो गड्ढा ही भरना है पहले तो। भाई मकान तो भैया अभी 4 दिन हो गए कर रहे हो, मकान तो दिखता नहीं है, दिखेगा ही नहीं, वो दिखेगा नहीं। अभी तो उस गड्ढे को खोदे, उसी को भरना है। कहे परिणाम तो नहीं दिख रहा है, चाहे उसमें आप सामान भी लगा रहे हैं, श्रम भी कर रहे हैं, मकान तो दिखाई नहीं देखा देता है, नहीं देगा। मैंने कहा ना, कुआं को उड़ाना दिया था, कुआं खोदे जा रहे हैं खोदे जा रहे हैं, भैया पानी तो दिख नहीं रहा है, सप्ताह भर से खोद रहे हो, नहीं दिखेगा। मैंने क्या कहा, परिणाम दिखे बगैर काम करना है। जब हम साधना प्रारंभ करेंगे तो ऐसा नहीं है कि अब शांत हो गए तब क्या काम छोड़ दें, नहीं, तब भी काम करना है। क्यों? ये आने वाला है। कुआं खोदने वाले को विश्वास होता है, एक समय में पानी पा जाऊंगा। ऐसे ही हीरे मोती चुनने वाले, उन्हें विश्वास होता है और वो एक दिन पा जाता। और जिनको शुरू में ही विश्वास ना हो, पता नहीं मिले कि ना मिले, तो क्या वो काम चालू रख पाएगा? नहीं। इसलिए पूर्ण विश्वास हो, लगन हो, संकल्प हो तो होगा। हम सब भी साधना में इस प्रकार लगेंगे तो काम बनेगा।